हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माउथ पार्ट्स इन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स के अंदर कौन कौन से टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। अब ये जो माउथ पार्ट्स होते हैं ना, इनके जो माउथ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। एंड वो कैसे मॉडिफाइड होते हैं, जैसे इनकी फीडिंग हैबिट होती है, जिस टाइप का ये फीडिंग मोड फीडिंग मैकेनिज्म शो करते हैं उसके बेस पे इनके माउथ पार्ट्स मॉडिफाई हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर डिफरेंट और इवन एवरी टाइप ऑफ फीडिंग मोड और मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। इसके बेस के ऊपर इनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन शो करते हैं। तो अगर हम बात करें किस किस टाइप का फूड ये ईट करते हैं, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जो आर्थ्रोपोड्स है ये कार्निवोर्स हो सकते हैं। कार्निवोर्स में स्पाइडर हो गया, सूडोस्कॉर्पियंस हो गए, सेंटीपीड्स हो गई, स्पाइनी लॉबस्टर हो गए। तो ये कैसे होते हैं, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स कार्निवोर्स होते हैं। नेक्स्ट ये हर्बीवोर्स हो सकते हैं जो कि रूट फीडिंग इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, रूट फीडिंग इंसेक्ट्स होंगे जो कि फील्ड्स के अंदर रूट्स होंगी, एक तरह से इनको बोल सकते हैं पेस्ट की तरह ये एक्ट करेंगे। ठीक है, ये पेस्ट होंगे क्रॉप्स के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल के लिए इनके अंदर सिसाडास आ गया, मोल क्राकेट्स आ गए, या फिर एंथोमाइड फ्लाइज आ गया। ये सारे क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हर्बीवोरस आर्थ्रोपोड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ओमनीवोर्स, जो कि हर टाइप के फूड के ऊपर ईट करेगा, हर्बीवोर्स भी कार्निवोर्स भी, जैसे कि कॉकरोच हो गया, क्रैब हो गए, ये क्या होंगे, ओमनीवोर्स होंगे ये। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि डेट्रिटस फीडर होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्थ्रोपोड्स जो है डेट्रिटस फीडर होते हैं, यानी कि जो डेब्रिस होगा या फिर जो भी वेस्ट होगा, बचा कुचा होगा, उसके ऊपर ही ईट करते हैं। जैसे कि माइट्स हो गया, बीटल्स हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, फ्लाइज हो गई, ये कैसे होते हैं, डेट्रिटस फीडर्स होते हैं। इसके अलावा ये होते हैं फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर का मीनिंग है जो भी वाटर करंट आएगा उसके में से ये क्या करेंगे, फिल्टर करके स्मॉल स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ईट करेंगे। जैसे कि मोल क्रैब हो गया एग्जाम्पल के लिए। एंड ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं ऑर्थ्रोपोड्स, लाइक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये हैबिटेट करेंगे, लाइक क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर हो गया, क्रेफिश हो गई, श्रिम्प, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियोज, टिक्स, माइट्स, बीटल्स, बग्स हो गई, एंट्स, बीज, टर्माइट्स, बटरफ्लाइज, मोथ्स, मॉस्किटोज, लाइस, ये सब क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, होस्ट की बॉडी के ऊपर ये हैबिटेट करेंगे। तो ये अलग अलग टाइप की जो फीडिंग मैकेनिज्म है, फीडिंग हैबिट्स है, चाहे वो कार्निवोर्स है, हर्बीवोर्स है, फिल्टर फीडिंग है, पैरासिटिक है, तो ये अलग अलग मोड ऑफ फीडिंग के बेस पे इनके माउथ पार्ट्स जो है मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये माउथ पार्ट्स जो है चूइंग टाइप हो सकते हैं, पायरसिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं, लैपिंग टाइप होते हैं, या फिर साइफोनिंग टाइप होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स, माउथ पार्ट्स जो है ये देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। कॉकरोच के माउथ पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें इन माउथ पार्ट्स की, तो सबसे फर्स्ट है चूइंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ पार्ट्स। ठीक है, ये च्यू करे, ये बाइट करेगा, च्यू करेगा, इस टाइप के माउथ पार्ट्स जो हैं रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रिमिटिव एंड अनस्पेशलाइज टाइप ऑफ माउथ पार्ट शो करते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं पहले के इंसेक्ट्स के अंदर, ये बिल्कुल एक तरह से स्टार्टिंग के इंसेक्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट थे। कंसिस्ट ऑफ, एक इसके अंदर लैब्रम प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके अंदर अपर लिप प्रेजेंट होता है, ये हो गया यहाँ पे लैब्रम यानी कि अपर लिप। एंड अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स होते हैं, एक पेयर यहाँ पे ये मैंडिबल्स के प्रेजेंट है, ये वाले साइड वाले मैंडिबल्स हो गए। पेयर्ड मैगजिले प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, पेयर्ड मैगजिले, और जिनको बोला जाता है फर्स्ट मैगजिले। एंड सेकंड इसके अंदर जो लैबियम होता है उसको सेकंड मैगजिले बोला जाता है, जो लैबियम होगा इसका, जिसको लोअर लिप भी बोलते हैं। एपीफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स, यानी कि क्या होगी इसके अंदर, ये यहाँ पे टंग प्रेजेंट होगी। तो ये टाइप के च्यूइंग पार्ट्स, च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कॉकरोच के अंदर होते हैं क्राकेट्स, सिल्वर फिश, ईयरविग्स, टर्माइट्स, बुक लाइस, बर्ड लाइस एंड बीटल्स। इन सब के अंदर कैसे होते हैं, च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ जो ऑर्थोप्टेरियन इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कॉकरोच ये हो गए, ये ऑर्थोप्टेरियन इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब इनके अंदर होता क्या है, जो यहाँ पे मैक्सिलरी पाल्प है, ये जो यहाँ पे ये मैक्सिलरी पाल्प है, ये मैक्सिलरी पाल्प एक्ट करती है सेंसरी फीलर की तरह, ठीक है, ये एक्ट करती है सेंसरी फीलर्स की तरह। यानी कि ये क्या करेगी, ये लोकेट करेगी फूड को, फूड की लोकेशन क्या है उसको ये लोकेट करेगी। एंड इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होता है लेसिनिया, ठीक है, ये पार्ट जो है यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे लेसिनिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इस लेसिनिया का काम होता है फूड को ग्रेस्प करने का, फूड की ग्रेस्पिंग करने का, फूड को कटिंग करने का एंड च्यूइंग करने का, ये काम होता है इस लेसिनिया का। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड मैंडिबल्स, ये फूड को, ये मैंडिबल्स क्या करते हैं, फूड को मैस्टिकेट करते हैं, फूड को मैस्टिकेट करते हैं। एंड कैसे मैस्टिकेट करते हैं, इसके अंदर दो सेट्स प्रेजेंट होते हैं मसल्स के, उनके थ्रू ये क्या करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं फूड को। एंड यहाँ पे ग्लोसा एंड पैराग्लोसा पार्ट्स जो प्रेजेंट है, ये वाले जो पार्ट है यहाँ पे पैराग्लोसा एंड ग्लोसा, ये वाले जो पार्ट होंगे यहाँ पे, ये करते हैं फूड की पुसिंग, फूड की पुसिंग करेंगे नेक्स्ट ये फेरिंग्स के अंदर चला जाए। तो ये काम होता है यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स का। नेक्स्ट टाइप के माउथ पार्ट्स है पायरसिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स, ठीक है, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर उसके अंदर पहले पायर्स किया जाएगा, एक होल किया जाएगा, देन उसमें से सकिंग की जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले लाइक हमें एक मॉस्किटो बाइट करता है, जब वो मॉस्किटो बाइट करता है तो वो ब्लड को सक करेगा। अब ब्लड को वो जब सक करता है तो उस टाइम पे ब्लड की क्लोटिंग ना हो, तो ये क्या करता है, यहाँ पे अपना स्लाइवा इंजेक्ट कर देता है, जिसके अंदर कुछ टाइप के एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि उस ब्लड की क्लोटिंग ना हो। तो ये स्लाइवा इंट्रोड्यूस करेगा एंड ब्लड को सक करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे पायरसिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स के अंदर इंसेक्ट्स विच फीड ऑन फ्लूइड्स, जो इंसेक्ट्स फ्लूइड्स के ऊपर फीड करते हैं, आर मॉडिफाइड इन टू वेरियस टाइप ऑफ ट्यूब्स, तो ये ट्यूब्स बना लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, थ्रू विच जिसके जिससे क्या होगा, लिक्विड कैन बी ड्रोन एंड स्लाइवा कैन बी इंजेक्टेड। लिक्विड जो है वो निकाल लिया जाएगा, ड्रोन कर लिया जाएगा एंड स्लाइवा जो है वो इंजेक्ट कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें इसके अंदर मैंडिबल्स एंड मैगजीले, ठीक है, माउथ पार्ट्स होते हैं ये मैंडिबल्स एंड मैक्सिले, यहाँ पे ये मैंडिबल्स प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे क्या हो गए, पेड मैंडिबल्स हो गए, मैंडिबल्स, और ये इस साइड यहाँ पे क्या प्रेजेंट, नीचे की साइड मैक्सिले। मैंडिबल्स एंड मैक्सिले रिजेंबल फाइन नीडल, नीडल्स की तरह ये होते हैं, देखो ये नीडल्स जैसे हमें नजर आ रही है, मीन फॉर पायरसिंग द स्किन और प्लांट टिश्यू। ये क्या करते हैं, ये बने होते हैं पायरस करने के स्किन को या फिर एनिमल टिश्यू को या फिर प्लांट टिश्यू को, ठीक है, यहाँ पे ये मैंडिबल्स हो गए और ये मैक्सिले हो गए। लेबियम फॉर्म्स द होलो ग्रूव, अब इसके अंदर जो लेबियम होता है, यहाँ पे ये लेबियम होगा, ये क्या करता है, एक होलो ग्रूव फॉर्म कर लेता है, यहाँ पे लेबियम जो है होलो ग्रूव फॉर्म कर लेता है, फिर इसके थ्रू एक चैनल फॉर्म कर लेगा, ठीक है, एक चैनल फॉर्म कर लेगा विच इनक्लोजेस दीज नीडल्स, एंड ये नीडल्स क्या होंगी, इनके अंदर इनक्लोज हो जाएंगी, ठीक है, इनके अंदर लेबियम क्या करेगा, एक होलो ग्रूव फॉर्म कर लेगा, होलो ग्रूव चैनल फॉर्म कर लेगा, जिसके अंदर ये नीडल्स जो है, नीडल्स क्या है यहाँ पे, मैंडिबल्स एंड मैक्सिले, ये इनक्लोज हो जाएंगी यहाँ पे। ओपन पार्ट ऑफ द ग्रूव इज कवर्ड बाई लेब्रम, एंड जो ओपन पार्ट है इसका वो किसके थ्रू कवर्ड होगा, यहाँ पे लेब्रम के थ्रू कवर कर लिया जाएगा, लेब्रम इसको ढक लेगा। हाइपोफेरिंक्स जो होगा, यानी कि टंग जो होगी, व्हेन प्रेजेंट इज होलो, जब ये प्रेजेंट होगी तो ये होलो ही होगी, एंड नीडल लाइक थ्रू विच इट फ्लोज द स्लाइवा, एंड नीडल लाइक होगी जिसके थ्रू ये क्या कर सकती है, ये यहाँ बीच से जो नजर आ रही है ये
ये क्या है, हाइपोफेरिंग्स है। हाइपोफेरिंग्स क्या करेगी, स्लाइवा को इंट्रोड्यूस करेगी स्किन एंड प्लांट टिश्यू जो भी है उसके अंदर, ये इंट्रोड्यूस कर देगी। तो ये हाइपोफेरिंग्स हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है ये, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें कि इसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, बग्स, हर्बीवोर्स, इंसेक्ट्स लाइक एफिड्स विच फीड ऑन प्लांट जूसेस, इनके अंदर ये एग्जांपल्स होंगे जो कि पायरसिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट शो करते हैं। अब मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोबोक्सिस प्रेजेंट होती है। प्रोबोक्सिस क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, और इसको बीक भी बोलते हैं। कंपोज्ड ऑफ लेबियम, जो बना होता है लेबियम का, फॉर्मिंग एन इलोंगेटेड फ्लैसी एंड मिड डोर्सली ग्रूव ट्यूब इनक्लोजेस द नीडल लाइक स्टाइल्स फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशंस ऑफ मैंडिबल्स, मैक्सिले एंड हाइपोफेरिंग्स। ये हमने देख लिया यहाँ पे मैंडिबल्स, हाइपोफेरिंग्स एंड मैक्सिले, ये क्या है, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जो क्या होता है यहाँ पे, ये इस जो यहाँ पे लेबियम होता है इसके अंदर इनक्लोज होता है। तो ये लेबियम क्या मिलके बनाती है, यहाँ पे प्रोबोक्सिस बनाती है, प्रोबोक्सिस बनाती है। प्रोबोक्सिस क्या की जाएगी, इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिसके बीच जिसके थ्रू स्लाइवा जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा, एंड जो फ्लूड है लाइक ब्लड है वो क्या कर लिया जाएगा, सक कर लिया जाएगा। तो ये केस होता है मॉस्किटो के अंदर। नेक्स्ट टाइप के हैं, नंबर थर्ड टाइप के, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ये टाइप के माउथ पार्ट्स जो है हनी बी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हनी बीज एंड बम्बल बीज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग टंग, इनके अंदर एक लॉन्ग टंग प्रेजेंट होती है। फॉर्म्ड ऑफ ग्लोसे ऑफ द लेबियम, लेबियम के पार्ट्स होते हैं ग्लोसे, उनसे ये बनी होती है। एंडिंग इन अ स्पून लाइक लेबिलम और फ्लैबिलम, ठीक है, ये स्पून लाइक यहाँ पे ये लेबिलम और फ्लैबिलम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये एंड हो जाती है। एंड यहाँ पे ये लिंगुला और ग्लोसे होते हैं जो ये अलग अलग ये ट्यूब समय नजर आ रही है। जो इसके अंदर गैलिया प्रेजेंट होता है, गैलिया जो होता है मैक्सिले का पार्ट होगा, गैलिया जो होगा फॉर्म ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पे, ये जो गैलिया ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेता है। एंड मैक्सिलरी पाल्प्स आर वेरी स्मॉल, एंड इसके अंदर ये जो मैक्सिलरी पाल्प्स है वो बहुत बहुत स्मॉल स्मॉल होती है। अ टेम्पररी फूड चैनल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोबोक्सिस, एक टेम्पररी फूड चैनल यहाँ पे बनेगा प्रोबोक्सिस के थ्रू, गैलियल लेबियल पाल्प जिसके अंदर फिट हो जाएंगे टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे लेबियल पाल्प जो है एंड साथ में यहाँ पे गैलियल जो है, ये यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, लेबियल पाल्प्स है। एंड ये हमने बात कर ली है क्या, यहाँ पे लेबिलम है, ये क्या कर लेंगे यहाँ पे फिट हो जाएंगे, ठीक है, एक यहाँ पे ये एक एक टेम्पररी फूड चैनल बनाएंगे जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स जो है फिट हो जाएंगे। एंड थ्रू दिस फूड चैनल द लिक्विड फूड फ्लोज अप, ठीक है, इस चैनल के थ्रू जो भी लिक्विड है वो क्या कर लिया जाएगा, वो सक कर लिया जाएगा, लिक्विड फूड जो है फ्लोज अप हो जाएगा। असिस्टेड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स का जो पंपिंग एक्शन होगा, ठीक है, फेरिंग्स इस फ्लूड को इस लिक्विड को पंप करेगा अपने अंदर, तो उस पंपिंग एक्शन के थ्रू इस चैनल के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, जो भी लिक्विड होगा वो क्या कर लिया जाएगा, सक कर लिया जाएगा यहाँ पे। तो ये होता है च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स के अंदर। एंड इसके अंदर लैब्रम एंड मैंडिबल्स जो है, ठीक है, लैब्रम एंड मैंडिबल्स जो है ये एक्ट करती है च्यूइंग द फूड, ठीक है, फूड को च्यू करने का ये काम करेगी। यहाँ पे ये मैंडिबल्स प्रेजेंट है दोनों साइड, एंड यहाँ पे लैब्रम प्रेजेंट होगा। लैब्रम और मैंडिबल्स क्या करेंगे, आपस में मिलके एक्ट करेंगे च्यूइंग द फूड, फूड को च्यू करने का काम करेगा। नेक्स्ट टाइप के माउथ पार्ट्स है स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है, स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हाउस फ्लाई के अंदर। फाउंड इन हाउस फ्लाई एंड सम अदर फ्लाइज टू सक अप द लिक्विफाइड फूड, लिक्विफाइड फूड को ये सक अप करती है। तो इनके अंदर क्या होता है, दिस फ्लाइज लैक्स द कटिंग वेपन्स, इनके अंदर कटिंग वेपन्स एबसेंट होते हैं ऑफ द इंसेक्ट्स दैट च्यू द फूड। जैसे कि हमने बात की थी कि मैंडिबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को च्यू करेंगे, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स एबसेंट होंगे। मैंडिबल्स ऑल टुगेदर एबसेंट, मैंडिबल्स एबसेंट होंगे। मैक्सिले जो होंगे रिप्रेजेंटिंग ओनली बाई टू
मैक्सिलरी पाल्प, ठीक है। मैक्सिलरी पाल्प के थ्रू ये रिप्रेजेंट किए जाएंगे यहाँ पे, ये एक मैक्सिलरी पाल्प हो गया, एक इसके अपोजिट प्रेजेंट होगा। तो मैक्सिलरी पाल्प के थ्रू यहाँ पे मैक्सिले रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। लैबियम इज ग्रेटली मॉडिफाइड टू फॉर्म प्रोबोक्सिस, ठीक है। यहाँ पे लैबियम क्या कर लेगा, प्रोबोक्सिस फॉर्म कर लेगा, एंड ये प्रोबोक्सिस जो है तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड की जाती है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट होता है प्रोक्सीमल कोन लाइक रोस्ट्रम, ठीक है। इसके अंदर एक प्रोक्सीमल कोन लाइक रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, एंड बीरिंग मैक्सिलरी पाल्प जो क्या करता है, ये जो रोस्ट्रम है, ये पार्ट जो रोस्ट्रम है, ये क्या करता है, मैक्सिलरी पाल्प्स को बियर करता है। और इसके अंदर लैबिलम जो होता है यूज टू लिक द फूड बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी। ये जो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, लैबिलम है। लैबिलम क्या करता है, फूड को लिक करता है बाय इट्स कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी। एंड इसके अंडर यहाँ पे नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं सुडोट्रेकिए। मिडल इसके अंदर होस्टेलम प्रेजेंट होता है, एंड ये मिडल होस्टेलम जो है विद मिड डोर्सल ग्रूव सर्विंग एज फूड पैसेज, जैसे कि पहले चैनल बना था वैसे ये फूड पैसेज की तरह एक्ट करेंगे। एंड अ वेंट्रल हर्ट शेप प्लेट प्रेजेंट होगी जिसको बोला जाता है थीका, ठीक है। यहाँ पे एक वेंट्रल साइड में हर्ट लाइक थीका प्रेजेंट होगा, एंड यहाँ पे ये क्या है, होस्टेलम प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये एक चैनल या फिर एक फूड पैसेज फॉर्म करेंगे जिसके थ्रू फूड यहाँ से आगे जाएगा। ये फूड ग्रूव हो गया यहाँ पे, ये फूड क्या है, फूड ग्रूव है ये पार्ट। इसके ऊपर यहाँ पे हाइपोफेरिंग्स प्रेजेंट है। डिस्टल लेबिलम जो है ओरल डिस्क फॉर्म करेगा कंसिस्टिंग ऑफ टू एक्सपेंडेड लोब्स और लेबिले। इसके अंदर दो लेबिले प्रेजेंट होते हैं या फिर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दो एक्सपेंडेड लोब्स प्रेजेंट होंगे डिस्टल लेबिलम के अंदर। ये जो डिस्टल लेबिलम है इसके अंदर, तो ये स्ट्रक्चर्स जो है ये तीन पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है साइफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है। साइफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स के अंदर क्या होगा, एक साइफन बनेगा, अगेन जैसे प्रोबोक्सिस जैसे कि चैनल बना था वैसे एक साइफन बनेगा यहाँ पे। एंड ये प्रेजेंट होता है बटरफ्लाइज एंड मोथ्स के अंदर जो कि अडेप्टेड होते हैं फॉर फीडिंग ऑन द नेक्टर, नेक्टर के ऊपर फीड करने के लिए अडेप्टेड होती है लाइक जैसे बीज होती है। बट इन माउथ पार्ट्स द मैक्सिले फॉर्म द मेन प्रोबोक्सिस, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो मैक्सिले हैं वो मेन प्रोबोक्सिस यहाँ पे फॉर्म करते हैं। जैसे हमने दूसरे केसेस के अंदर देखा था कि लेबियम वहाँ पे प्रोबोक्सिस जो है बना रहा था, उसके अंदर हाइपोफेरिंग्स है, उसके अंदर मैक्सिले है, मैंडिबल्स है, उसके अंदर इनक्लोज होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्सिले जो है वो प्रोबोक्सिस फॉर्म करते हैं, नॉट द लेबियम। मैंडिबल्स एंड लैबियम आर वेरी मच रिड्यूस्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंडिबल्स एंड लैबियम जो है वो रिड्यूस्ड होते हैं। द मैक्सिलरी पाल्प्स रूडिमेंट्री होती है, ठीक है। मैक्सिलरी पाल्प यहाँ पे रूडिमेंट्री होती है। लैबियम फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर प्लेट बियरिंग लैबियल पाल्प, एंड यहाँ पे ये लैबियल पाल्प जो है ये बियर की जाती है थ्रू दिस ट्रायंगुलर प्लेट जिसको जो क्या है लैबियम से बनी हुई है। यहाँ पे जो गैलिये होते हैं आर मच इलोंगेटेड, ठीक है। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे प्रोबोक्सिस फॉर्म करते हैं। इलोंगेटेड एंड कोइल स्ट्रक्चर होते हैं फॉर्मिंग अ हाफ ट्यूब, जो क्या करते हैं, हाफ ट्यूब फॉर्म करते हैं विच मेक्स कंप्लीट ट्यूब व्हेन बोथ द लॉक्ड टुगेदर। ये दोनों के दोनों जब जुड़ते हैं तो ये कंप्लीट ट्यूब फॉर्म होती है, ठीक है। एक है वो हाफ ट्यूब फॉर्म करेगा, जब दोनों के दोनों लॉक्ड हो जाएंगे एक साथ तो ये क्या करेंगे, कंप्लीट ट्यूब फॉर्म करेंगे। व्हेन नॉट इन यूज, जब ये प्रोबोक्सिस यूज में नहीं होती है तो ये कोइल्ड हो जाती है, ठीक है। ऐसे निकली हुई थी तो ये अगेन क्या हो जाएगी, ऐसे कोइल्ड हो जाती है इनटू द पोजीशन बिनिथ द हेड, जैसे कि इसकी पोजीशन होती है हेड के नीचे, वहां पे ये क्या हो जाएगी, कोइल्ड हो जाएगी। एंड वापिस से अगेन इसको जब अनकोइल करना होगा, तो ये अनकोइल कैसे होती है, इट इज द राइज इन ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर के अंदर राइज हो जाता है विच अनकोइल्स द प्रोबोक्सिस, तो ये क्या कर देता है, प्रोबोक्सिस को दोबारा से अनकोइल कर देता है। तो ये मैकेनिज्म होता है यहाँ पे साइफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स के अंदर।
अब तक हमने माउथ पार्ट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट की कीज के अंदर फीडिंग कैसे होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड ईट करते हैं एंड उस फूड के बेसिस के ऊपर इनके माउथ पार्ट्स जो है वो अडेप्टेड हो जाते हैं। हमें इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।